यूपी के जनपद बिजनौर में आज दोपहर को मौसम ने ऐसी करवट बदली जिसमें आंधी तूफान व वर्षा से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हम आपको बताते चलें कि यूपी के पूरे जनपद बिजनौर आज रविवार को लगभग 12 बजे अचानक आए तूफान में तेज हवाएं और आसमान में काली घटाएं छा गई और दिन में अंधेरा हो गया। राहगीर सड़कों पर चलने वाले वाहनों की लाइट जलाकर निकलने लगे। इतना ही नहीं, उसके बाद बारिश और तूफान तेजी से आया और सड़कों पर पानी भर गया। तेज तूफान व बारिश के चलते बादल भी गड़गड़ाहट रहे थे और आसमान में तेज बिजली कड़क भी रही थी। लोग अपने अपने घरों में डरे सहमे हुए थे। कुछ करीब लोग अपने घर को संभालने में लगे हुए थे। जिन लोगों के पन्नी या टीन के मकान बने हुए हैं वह लोग परेशान नजर आ रहे थे। इस बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है तथा जनपद बिजनौर के किसानों का भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। आज न्यूज चैनल के लिए यूपी के बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम मेरा। सलीम साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं रोड से। अच्छा, आज क्या है बोला? मौसम तो एकदम तेज खराब हो गया आज बहुत ज़्यादा। किसानों के मामले में किसानों का बहुत तगड़ा नुकसान है। सरकार इनके बारे में कुछ सोचे, अचानक इसके बादल आया। घने बादल है, काले काले बादल आए थे, बिल्कुल घना। बारिश बहुत तेज है, तो बहुत तेज बारिश हवा के साथ। वाहनों का कैसे है? ये छोटी बड़ी गाड़ी है सब आ रही है। लाइटों का सहारा इनको लेना पड़ गया है। इतना अंधेरा है और इतना अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल बहुत ज्यादा तबाह। बहुत हल्का हल्का गाड़ियां निकल रही है।